बाहर निकल, जान मत दे, ये गलत है, ये सही है। अनमैरिड है वो, बाइक चलाती लड़कियां बहुत सुंदर लगती है भाई, तो अट्रैक्ट तो करती है भाई, चलाती बाइक अट्रैक्ट। शादी से पहले बिठाई है लड़की, बाइक के पीछे बकवास कर रहा है, शादी के बाद कैसे बैठा रहा है तू? कोई मुझे धोखा दे रहा, चीट कर रहा है मुझे, झूठ बोल रही है। कभी कुछ कहती हूं ऐसा कि भाई ये मायके है वो है, मैं कितनी बड़ी हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। इंट्रोडक्शन थोड़ा, जरा मम्मी बाहर बैठी है। मेरी और शाही की पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी निकलने के लिए। हम 2 बजे रात को निकलने वाले थे, पर सडनली 8 घंटे पहले प्लान चेंज हुआ और हमने आज, मतलब हमने एक दिन के लिए प्लान को ड्रॉप नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया 2 दिन के लिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि जो हमें कहीं घूमने जाना था वो चंडीगढ़ और पंजाब से होके हिमाचल का रास्ता ये वाले जहाँ पर हमें जाना था। और अभी एक बहुत बड़े लेजेंड सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है कल ही, आपने देखा होगा, बहुत वायरल न्यूज़ है। तो मे सोल रेस्ट इन पीस, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ यार। कोई आदमी ज़मीन से उठता है, पता नहीं क्यों लोगों को चीज़ हज़म नहीं होती है। सिद्धू मूसेवाला जो लेजेंड था वो बिल्कुल ही ज़मीन से उठा हुआ बंदा था यार। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। पंजाब में काफ़ी होता है, परमेश्वरों में भी हुआ था अटैक, दीप सिंह, पता नहीं कितनों पर अटैक हो चुका है, कितनों का मर्डर हो चुका है। ये पंजाब में मुझे लगता है यार बहुत गलत है यार, क्या इमेज होती जा रही पंजाब की समझ नहीं आ रहा, पर पंजाबी सिंगर के साथ बहुत गलत हो रहा है। कल निकलना था, कल इवनिंग में हुआ था, तो उसके बाद अब पंजाब में, चंडीगढ़ में एक दोस्त रहता है चंडीगढ़ में, उसने बताया कि भाई काफ़ी लोग धरना दे रहे हैं ऑफिसेज, गवर्नमेंट्स ऑफिसेज के आगे। तो इसलिए हमने सोचा 1-2 दिन डिले कर दिया जाए इस प्लान को, क्यों रिस्क लेना, कहीं बीच में जामा में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। पैकिंग वैकिंग सब कुछ है। अब मैंने सुबह उठ के पूछा तो सही कि क्यों नहीं गए, मैं तो सो रहा था, अभी सो के उठा हूँ कि भाई मैंने को ड्राइव करनी थी तो मैंने हिम्मत बना रखी थी कि मैं उठूँगा, पर अब फिर 3 बजे सोया था, थोड़ा लेट उठा हूँ। तो सीन ऐसा है कि हमने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को एक प्रैंक कर दिया जाए। प्रैंक किस लिए किया, अब तुम गए क्यों नहीं, और गए क्यों नहीं वो प्रैंक अब आप देख लेना हमने क्या प्रैंक करने वाले हैं मम्मी पे इसी ब्लॉग को। एंड तक देखिए, मज़ा आने वाला है। कैमरा एक वो देख रहे हो कप के अंदर, ब्लैक कप के अंदर एक कैमरा रखा हुआ है मेरा 360 इंच का, और एक वहाँ मेरे हेलमेट के डिब्बे के मैच वहाँ बिल्कुल कोने में रखा हुआ, दिख भी नहीं रहा होगा आपको, एक वहाँ रखा हुआ है। ये मेरा तीसरा कैमरा मेरे हाथ में, इसको कल रात को भी मैंने सबसे पहले दिमाग में मेरा एक खुराफात, मैंने कल ही रात को एंगल ढूंढ के जहाँ से अच्छे फोकस पूरा रूम कैप्चर होगा तो वहाँ पर मैंने कैमरा लगा दिया और मैं उन्हें नहीं हिला रहा। अब देखो क्या होने वाला है, करते हैं कोई एक बढ़िया सा प्रैंक घर वालों पे कि हम क्यों नहीं गए। मेरे दिमाग में प्लान है, मैं भी कुछ अलग ही सोच रही हूँ, जल्दी बताओ क्या प्लान है। फ्यूचर प्लान बताओ, मैं प्लान, मेरे पास दिमाग में प्लान नहीं है, पर मैं कह रही हूँ कुछ अलग करते हैं। प्लान का बताओ जल्दी कुछ, अरे मैं मार देना है, जल्दी बताओ। मुझे
दोस्त है बाइकर की, दोस्त है बाइकर, बाइक की ग्रुप में जाता हूं, उसको बैठाता हूं मैं, क्या देखती हूं इसके पीछे रहती हूं क्या, आप बताओ कौन है भैया, जरा दिखाना फोटो, रोज चलने जाते हैं, सैटरडे जाते हैं, सुबह निकल जाता है, दोस्त है यार, दोस्त रहता है यार, दोस्त के पीछे वो बाइक पे बैठाएगा लड़कियों को, फिर बिठाई इसने, हां एम आई उससे कह रहा था मैं ट्रिप से आके वापस ले लूंगा, अरे दोस्त क्या बाइक के पीछे बैठ ही सकती है यार, मम्मी इतना शक कर रही है, बेकार कर दंद तेरे दिमाग क्यों बैठाएगा, तू लड़की को पीछे बिठा के, लड़कियों को बिठाएगा, अरे मैं उनसे कह रही कोई बात नहीं भाई, तू लड़की को पीछे बैठा के घूम रहा है, हां तूने दोस्त है क्यों बाइक के दोस्त है, मैं जाके सब भाई बाहर में जाए, दोस्त दोस्त गई वो बाहर में पहले होती है, ये पास कर रहा है, अब सिर्फ तेरे बीवी बैठेगी पीछे, पास कर रहा तो भाई तुम निकल जाओ, मैं बैठ ही रही हूं, मैं लेट हूं क्यों रही हूं, मैं तुझे सही बता रहा हूं, मुझे जरा सा पता लग गया कि तेरे बाहर कोई दोस्त है या दोस्त से बढ़ के बेटे दोस्त होते हैं ग्रुप में होती हैं, अकेली दोस्त नहीं होती बाद में, बेटा बेटा क्या चला, हकीकत में बात बेटे, जिसको ये करना से बिठा ली दिक्कत क्या है, बैठ जो बिठाई है जी, जमाने का बोल है क्या, पुराने जमाने वाला है क्या, आज पीछे बैठे हुए कल आ गई बैठ जाएगी, दोस्त से आगे भी बैठ जाएगी, ये थोड़ी ना है, बीबी तेरे घर संभाल लेने के लिए, तुझे जाना है तो तू जा, दिमाग खराब कर रखा है, मैं कलेश नहीं, इसलिए मैं नहीं गई ट्रिप पे, मैं इसके साथ क्या करूंगी ट्रिप पे जाके, सच में तूने लड़की को बिठाया है, अरे भाई बैठ गई थी भाई, क्या दिक्कत है, कैसे बैठ सकती, क्यों बैठ सकती है भाई, कैसी बातें कर रहा है, शादी में अगर बैठे, शादी से पहले बिठाई है लड़की, बाइक के पीछे बकवास कर रहा है, शादी के बाद कैसे बिठा रहा है तू, उन्हें बिना बताए, अरे ग्रुप है भाई, दोस्त फोन करके आती है, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है ना, चुप हो जा, चुप हो जा, ऐसे अभी कोई बात नहीं बना, ऐसी होगी तो होगी तो दोस्ती होगी, हाँ दोस्ती होगी, क्या सहारा दे रहे हो, क्या दे रहे हो भाई, दोस्त हो सकती है, क्या दिक्कत है, दोस्त भी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, मेरा कोई दोस्त है, बता तो देता ना इनको, इनको क्यों नहीं बताया, उससे रात में तुम क्या चटिया रहे थे, क्या मैसेज कर दिया, अरे ये तो बोल रहा कि भाई आके दाके मिलूंगा, क्यों मिलोगे, क्यों मिलोगे भाई, साथ में राइड करते हैं, नहीं तो राइड छोड़ दो, और मैं पहली बात तो तुम रात के 2-2 बजे क्यों बात कर रहे हो उससे, क्या मतलब भाई, मैं से ज्यादा संडे राइड पे गए थे, मिली थी तो वो पूछी थी फोटोज वगैरह के लिए, तो भाई मैंने बोल दिया, चल मेरे को एक चीज का जवाब देना है, भाभी किसी लड़के के पीछे बैठ जाएंगी तो चलेगा, मेरे कमरे में आ जाओ, बहुत चाहिए, पहले 4 लोग दिक्कत है, बहुत समाज लेने के लिए, आपको दिक्कत है, पूरा आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है, दिक्कत है, आपको दिक्कत है, मेरे को नहीं, कल से नहीं हो रहा, कल को आपने मुझे इस बात मिल गई कि तू उसको धोखा दे रहा है, तो बड़ी ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं भी लेडीज रही हूं, तू भी दिक्कत है, तेरे को दिक्कत है, तेरे को दिक्कत है, रो ऐसे रे जिंदगी उतर गई है, तेरे को दिक्कत है, बाहर निकल, जान मत दे, ये गलत है, सही है, 23 साल की हुई है, तो ये शादी होने वाली है, बड़ी है ना, बड़ी अगर तुमने बिठाई है तो चल ठीक है, बड़े पापा तेरे 1000 लड़कियों से बात करते थे एयरपोर्ट में, बहुत लड़कियां ऐसी थी, कौन हूँ मैं, एक बीवी हूँ ना, तो बीवियों को क्या पता नहीं चलता अपने पतियों का, आप मुझे एक बात वाली हरकत मत करो, इसको मैंने कभी रोका, 1:30 बजे आता है, 1-1 बजे आता है, तो मैं कभी 1 बजे कब आया, 9 बजे आता, 10 बजे आता, घर झूठ बोल रही है, कभी कुछ कहती हूँ ऐसा की भाई ये माइंड की है वो है, मैं कितनी बार कहती हूँ मुझे पूरा भरोसा, लेकिन देख रही हो तो उस लड़की से बात कर रहा है, जो मैंने फोन हमेशा देता है, फोन मांगा, अरे भाई तुम सो रहे थे, उसको मैसेज आके मैंने रिप्लाई कर दिया, मुझे पता पीछे से जाके जाके देख रही है, सुन बेटे तो तू उससे बात करा देता है, सामने वाले क्या सोचेगा कि शक कर रही है मेरे पे, तो उसकी बीवी करती है, सब करती है, वो करेगी वो भी करेगी, उसका पति होगा तो वो नहीं करेगी क्या, उसका पति क्यों होगा, अनमैरिड है क्या वो, अरे भाई क्या है, अक्षय होता भी मेरे साइड ले रहा होता, सुन अक्षय क्या साइड लेगा, मत कर भाई का साइड ले, भाई को बचाएगा, सुन बेटे राइडर तो पहले भी था, हाँ तो फिर ऐसी लड़की, पहले उठ के बैठो, पहले बुलेट थी ना,
तो तू ऐसी लड़की लेटे लेटे माजा हो क्या कहीं की राइडर ही ढूंढता है हमें क्या दिक्कत थी आई ऐसे होके बैठो इसे चलाने की कोशिश की थी सिखाने की कोशिश की सीख क्यों नहीं इसमें भाई बाइक तो उससे संभलेगी ना उस लायक होने भी चाहिए ना कुछ भी नहीं है इतना तगड़ा वजह तो बहुत चीज है और तू आंखों को झुका झुका कितने बुरे तरह से बोल रही है भाई विश्वास पूरा पर भाई आजकल कैसी एक्टिंग बाजो अब तो रोंगी ना आऊंगी मम्मी मैंने ना आंखों में ना सनस्क्रीन का स्प्रे डाल लिया था उससे आंखों में जलन हो रही है और आज तो अपने आप निकल रहे हैं मैं निकाल ली रही हूँ नहीं उस मैंने कई बार ट्राई किया उसको स्प्रे लगा के मेकअप कर रही थी ना आंखों से आंसू आ रहे थे मैंने कहा यही ट्राई करती हूँ कहाँ से लगा असली आंसू आज हमारा प्रैंक है और हम बहुत देर से प्लान कर रहे हैं मयंक ने कहा 7 बजे 6 बजे से रोज आएंगे ये हकीकत बात है इस घर के आदमी ऐसे नहीं है मम्मी ये तो प्रैंक कैसा लगा आपको देखो मेरी बात सुनो मैं मायशो कैसे लाना नहीं चाहती थी बट मुझे पता था अगर मैं मायशो कैसे लाऊंगी तभी आप रिएक्ट करोगे नहीं तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे आपको रियल लगेगा ही नहीं बेटा अगर तेरे साथ में कुछ गलत होगा यार इस कैमरे की रिकॉर्डिंग हीट हो गया इसमें टेम्परेचर का साइन आ गया 12 मिनट के बाद इसकी ऑटोमेटिक अपनी रिकॉर्डिंग बंद हो गई 1 के 7 मिनट के बाद बंद हुई पर इसके अंदर थोड़ा सा वाइड एंगल से आपको पूरा देखने को मिला ना इसलिए हमने हर जगह एंगल और कितने प्यारे कैमरे छुपाए थे ना कामाक्षी कोई सोच रहा था कैमरे छुपे हुए नहीं है लड़की पटाना ना कोई रितिका है ना कोई कभी पीछे बैठा है पीछे सीट ही नहीं है यार पीछे सीट ही लगा लड़की पीछे सच बता रहा हूँ अब तक 3 बार सीट लगी और 3 बार शाही के लिए लगी है मैं यहाँ बात नहीं पहुँचाऊंगी मैं मयंक अपने यहाँ पे उजाड़ दूंगी अगर लड़की का मामला होता हाँ कह रहे घर वालों की जरूरत नहीं है लेकिन मजा आएगा डायरेक्टर के मामले पूरा साफ एकदम कैसे लगे मेरी एक्टिंग कितने नंबर तो एक नंबर की ड्रामा हो यार ओ भाई सच में ये रोती हुई आई मम्मा और मैं उल्टा मुंह करके हिलाई नहीं मैंने कहा अभी हंसी छूटेगी मेरी मैं मम्मा मम्मा करती आ रही है और बेटू सामने तक प्यार से एंजॉय कर रहा है ऐसे 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 कर रहा है ऐसे कर रहा है बेटू मैंने कहा बेटू क्यों हंसी छुटवा रहा है एक्टिंग करने दे मम्मी पापा लड़ते तो बीच में रोना होता है बेटू मजा आता क्या करना है क्या करना है मैं नहीं बोलो आप लोग बोलो कभी भी लू कमाक्षी तो कोई भी आके फुद्दू खिंच जाता इतनी बोली है तुम्हारी बहन तुमने पागल बना रखा यार हमारे घर में कलेश इतने जेन्युइन है ना कि लोगों लगते हैं वो प्रैंक हर घर में होता है प्लीज प्रैंक पसंद आया छोटा सा प्रैंक बहुत लंबा खींच नहीं पाया कि हंसी छूट रही थी हमारी बहुत ज्यादा लंबा खींच ही नहीं पाया पर थैंक्स टू दिस कैमरा इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगी पर थोड़ा फिश आई रिकॉर्ड हुआ है फिश आई होता है ना थोड़ा सा राउंड है कैमरा देखो ना फिश आई रिकॉर्ड हुआ पर रिकॉर्ड हो गया एटलीस्ट बस ऑडियो अच्छी आई हो यार चलो कोई इसकी मैंने कभी ऑडियो टेस्ट नहीं की इसी ये हीट हो गई टेम्परेचर साइन आ रखा था आपने उठाया ना हमेशा होता है यार एक नॉर्मल कैमरे जो मेरे लिए छोटे कैमरे हैं यार 7-8 मिनट के बाद ब्लॉगिंग एक साथ थोड़ी 10 मिनट की होती है छोटे क्लिप्स होती है बाय गाइस अगर टैंक पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अभी बहुत ज्यादा हीट हो रहा है थोड़ा सा अबे तू बहुत हीट हो रहा है सच में हीट हो रहा है कैमरा नहीं पकड़ा जा रहा सोनी जी वन तो बाय गाइस सी यू नेक्स्ट
प्रैंक वीडियो जल्दी करने वाले हम किसके ऊपर, अपने बाबूजी पे। बहुत खतरनाक हो जाएगा यार, लेवल हो जाएगा। नाइना ने प्रैंक का पार्ट बना लियो, मेरे को मत बताइए प्रैंक गाड़ी चोरी का बना लो। नहीं चलो, बाय गाइस, बाय गाइस।